नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है और आपके जॉइंट्स में पेन रहता है और बहुत सालों पुराना दर्द है और आपके घुटनों के अंदर जो है विटामिन D3 की कमी हो गई है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जो है काफी लंबे समय से चली आ रही है और ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक मैं बेस्ट मेडिसिन आपके लिए लेके आया हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी मेडिसिन है और कैसे इसको लेनी है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ ऑल पे भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना वक्त गवाते हुए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस मेडिसिन का नाम है D3 मस्ट 60K कैप्सूल। ये टैबलेट आती है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जान लेते हैं ये दवाई कौन सी कंपनी बनाती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डाले गए हैं, इसकी पैकेजिंग के बारे में जान लेते हैं, इसके MRP के बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी इस दवाई को बनाती है। मैनकाइंड फार्मा कंपनी दोस्तों काफी बड़ी फार्मा कंपनी है और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और बात कर लेते हैं इसकी MRP के बारे में। तो दोस्तों, इसकी MRP है 87 रुपीज और ये एक पत्ते के अंदर 4 टैबलेट निकलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बात करते हैं इसके साल्ट के बारे में कि इसके अंदर कौन सा साल्ट डाला गया है जिससे दवाई मिलकर बनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर कोला कैल्सिफेरॉल 60 KIU डाला गया हुआ है, तो इस साल्ट से मिलकर ये मिली है, बनी है दवाई। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी हो गई है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, जो ग्रीस होती है घुटनों के अंदर, अगर वो कम हो गई है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके शरीर में कहीं और जॉइंट पेन है, जैसे आपके हाथ में कहीं जॉइंट है या घुटनों में है या कहीं भी जॉइंट है, अगर जॉइंट्स में पेन रहता है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल ये जो है जॉइंट्स पेन के लिए होती है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे मिलता है, बहुत ज्यादा इससे रिलैक्स मिलता है और काफी ज्यादा इससे फायदा मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर भी काफी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, जिन लोगों को विटामिन D3 की कमी हो जाती है और जॉइंट्स में पेन रहता है, खासकर जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है उनको ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ इसको यूज कैसे करना है। इसका लेने का तरीका, सही तरीका जो है आना चाहिए, तभी ये दवाई फायदा करती है। बहुत से लोग जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको इतना फायदा नहीं करती है। तो इसका सही तरीका बिल्कुल जो है ना आपको पता होना चाहिए, तभी इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको ये टैबलेट हफ्ते में एक बार लेनी है, दूध के साथ लेनी है। जैसे कि आप जिस भी दिन लेते हैं उसके नेक्स्ट जो वीक होगा उसी दिन आपको लेनी है। जैसे कि सपोज करो आज वेडनेसडे है तो अगले वेडनेसडे को ही आपको ये टैबलेट लेनी है और दूध के साथ लें। लेने को तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको यूज करें, रेगुलर यूज करें और इससे आप देखेंगे आपके घुटनों की जो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इससे आपको काफी राहत मिलेगी, काफी आराम मिलेगा। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर फिर भी ओवरऑल आपको ये दवाई खाने के बाद आपको कुछ भी महसूस हो, कुछ भी आपको ऐसा लगे जो आपकी बॉडी में जिससे कुछ इफेक्ट हो रहा है, जिससे आपको कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे तो आज तक अभी तक जो है इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये था D3 मस्ट 60K टैबलेट का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी मिली होगी और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ये वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले और उनको भी फायदा मिले। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है इस दवाई के बारे में या फिर आपको किसी मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।